दोस्तों जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय मऊ ज़िले में। यहाँ पे कुछ किसान हैं जो पारंपरिक खेती से हटके कुछ करना चाह रहे हैं। ये मऊ जो ज़िला है ये थोड़ा गन्ने का बेल्ट है, कुछ केले का बेल्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोका हूँ कि किसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे भैया ने अभी आप यहाँ दिखाओ, यहाँ पर गन्ने के साथ में चना बोया हुआ है तीन लाइन पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गन्ना है एक लाइन और मेरे ख्याल से चार पाँच फीट पे गन्ना है, उसके बीच में तीन लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन वो है, तीन लाइन पे चना। बहुत बढ़िया। और रेसिड्यू फ्री खाद भी बनाया हुआ है। पहले मैं परिचय करवा देता हूँ आप लोगों का। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मऊनाथ भंजन है, ग्राम सभा मीरपुर रहीमाबाद का रहने वाला। मोबाइल नंबर 7521072808 जी। आपका नाम भैया? संतोष यादव, सनत लक्ष्मण यादव जी। आप भी हैं कि? जी कुतुबपुर। विजेंद्र कुमार यादव, मीरपुर रहीमाबाद। सब यादव ही हैं पूरे? धर्मेंद्र कुमार यादव। अच्छा, धर्मेंद्र आपकी मेरी बात ज़्यादा होती है ना? जी। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह, घोसी से, जिला। ये हमारे चाहने वाले हैं जी मोहब्बत में। और ये देखो रेसिड्यू फ्री खाद बनाया हुआ है। किसान अगर ये समझ गया इसके जादू को, उसके बाद खर्च आता है। इसको खोल के दिखाओ तो खर्च तो ख़त्म। ये देखो कितना सुंदर बनाएगी। और ये मिट्टी में बनाया है नहीं? अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसको मिट्टी में बनाइए और ऐसे भुरभुरा होना चाहिए। ऐसे हाथ में लो भैया इसको थोड़ा। हाँ ये देखो ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, गजब। बंद कर दो इसको। इस तरीके से 8-10 दिन रखने के बाद ये तैयार है। बस चलिए आगे चलते हैं। चलू है, बटन नहीं दबाना अभी, ठीक है? कुछ नहीं करना है अभी। देखो आपके खेत में कुछ चीज़ें परिवर्तित हैं, हालांकि जब वो कहते हैं कि नस्ल ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो पौधा आपने छोड़ा, ये टूटा हुआ पौधा था आपका, लेकिन जैसे अगर सीधे पौधे की बात करें पूरी। आलोक भाई इधर आओ, ये इन्होंने पूरा पौधा छोड़ा, उसके साथ में ये छोड़ा। अब ये पत्ते क्यों नहीं काटने? अगर चारों तरफ से गन्ना घास होती जी तो हवा का अवरोधक होता। अभी हवा डायरेक्ट आ रही है तो हवा अभी भी तने को टच नहीं कर पा रही। क्यों? एक स्वेटर टाइप का, सोल टाइप का इसने ओढ़ा हुआ है जी। अगर हम इनको काट दें जी तो हवा सीधी तने को टच करेगी जी। ये लफड़ा है जी। दूसरा, ये जो पौधे की मोटाई, अभी आप 3-4 पेड़ों में गए मेरे साथ खेतों में जी, उन सबसे बेहतर स्थिति में, हालांकि बहुत बढ़िया आपका भी नहीं है लेकिन उनसे बेहतर स्थिति में आपका प्लाट है। अच्छा आपने बेड बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं यादव जी, होना चाहिए बस 4-6 इंच। अच्छा, और ये है लगभग ज़मीन से 1 फीट, तो ये डबल हो गया उससे। अगली बार आप जब भी बेड बनाएं, नहीं अभी तो पूरा खेत बना नहीं है, बनाना है अभी तो, यही बना तो बहुत ज़्यादा बना दिया आपने। नहीं हमने 4-6 इंच बनाना है बस। ये देखिए मैं आपको, देखो ये है, ये ऐसे होता है, ये गया आप। अब ये और 2-4 दिन में चला जाएगा, वरना तो इसको ऐसे पकड़ो और यहाँ पे डाल दो। और देखो इसकी जड़ें अभी तक वाइट रूट दे रही हैं जी। ये देखो जी है वाइट रूट जी जी। अगर यहाँ पे मल्चिंग होती, मल्चिंग मतलब ये कचरा, तो हमेशा इसकी वाइट रूट एक्टिव रहती जी। और इस पूरे बेड पे मल्चिंग होना चाहिए, जैसे आपका ये खेत है। आप जो यहाँ पे अभी कराओ, ये कब किया था मल्चिंग? ये तो करीब 1 महीना। इसके नीचे पौधा है हाँ। अब मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा था। भैया नीचे करो यादव जी, उसको कैमरे को कहाँ गए, अभी इधर आ जाओ। आप ही का खेत है जी। मेरा खेत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, जोश में गलत बोल गए, खेती मेरा है ये, इसलिए तो घास उठा रहा हूँ। अब ये देखो, क्या ये वाइट रूट किसी खेत में मिली? नहीं। यहाँ पे क्यों मिली? बिकॉज मल्चिंग थी। अगर ये एक्टिव रही, ये देखो, अब जिन लोगों के खेत में पीछे गए थे हम, उन लोगों को समझ आ जाएगा इसको देख करके। अच्छा, इधर वाइट रूट क्यों नहीं है?
मल्चिंग मल्चिंग नहीं। हाँ इधर क्यों नहीं है? मल्चिंग नहीं। इधर क्यों थी? मल्चिंग। कितना पैसा लग रहा है इसमें? ला के गन्ने के पत्ते पलट दो यहाँ पे। अभी आप बेड ना बनाओ, सिर्फ गन्ने की पत्ती ला के बिछा दो गन्ने की, फिर देखो कमाल। समझ रहे हो? पूरा हमारे पास है बस। अब खुद देखो है कुछ झटका? बहुत झटका है ये। इसका मतलब क्या है? पकड़ो इसको धर्मेंद्र। इसका मतलब क्या है? सफेद रूट मतलब पौधा चल रहा है। अच्छा दूसरी बात, इसको ढको बिछा रहे, उस स्वेटर में रहना दे इसको। अब ऊपर आओ धर्मेंद्र, ध्यान से समझना इस चीज को जी। भैया उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। क्या इस पौधे में चॉकिंग है? नहीं। अब ये आप लोगों को सीखने वाला चैप्टर रखा है भैया। आलोक भाई क्या इस पौधे में चॉकिंग है? क्यों नहीं है? मल्चिंग की क्योंकि नहीं, इसकी जड़ों को भोजन मिल रहा है। अब आपने सिर्फ एक तरफ से भोजन दिया इसको। अब तुम सोचो अगर चारों तरफ से मल्चिंग हो, डेढ़ फिट इधर ऐसे, अगर यहाँ पे पूरा मल्चिंग होता तो चारों तरफ सफेद ही सफेद रूट होती। आप जो देते ये लापालाप खाता, तो ये पौधा ऐसे होता और चॉकिंग का तो मतलब ही नहीं बैठता इसके अंदर। ये चॉकिंग खा रहा है देखिए, ये पूरा खेत चॉकिंग में है। मैं आपको सिर्फ ये पौधे के लिए समझा रहा हूँ अभी। करना क्या है, मेन मकसद क्या है मेरा कहने का? मल्चिंग पे आ जाओ। मल्चिंग पे। अब जो लोग ये बोलते हैं कि इनको तोड़फेड़ करो, छेड़छाड़ करो, कचरा बाहर निकालो, उनके खेत पीछे से देख के आ रहे हो, साफ सुथरे वालों के। सफेद रूट हैं आपके खेत में भी, तौफिक भाई के खेत में भी ऐसे ही है, सोहन के खेत में भी ऐसे ही मिलता है। तो मल्चिंग कितनी होनी चाहिए? मल्चिंग पौधे से डेढ़ फीट इधर, पौधे से डेढ़ फीट इधर, ये तीन फीट पे पूरा कचरा मल्चिंग। कुछ नहीं करना है, कुदरत के साथ चलना है। 15-20 दिन में एक बार गुड़ गोबर लो, 40 किलो गोबर, 5 किलो गुड़ या सुक्रोज ले लो, फिर 200 ग्राम घोलो और हर पौधे की जड़ में 200 ml डाल दो। वो भोजन है इसका, मल्चिंग के अंदर जो जीवाणु काम कर रहे हैं। हो गया अकेला इसी में, या फिर ट्रैक्टर हैरो ले आओ, कमर तोड़ लो, इसमें बेड बना लो, उसके बाद इसके अंदर रासायनिक फर्टिलाइजर डालो। वेस्टेज है वो, समय खराब करना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि कोई पौधा मुझे मिले जिसके नीचे मल्चिंग हो, तो मैं उसका रिजल्ट आपको दिखाऊं। मल्चिंग वाले का रिजल्ट आपको अलग ही मिलेगा। तो आगे से यादव जी, केला करना है तो चारों तरफ से गन्ना घास, 4-6 inch का बेड। गन्ना घास भैया कौन होती है? हम लोग बाजरा को, सुपर नेपियर। सुपर नेपियर बाजरा तो एक बार बो दिया, काट दिया। हाँ। वो बाजरे की ऐसी प्रजाति है कि अनंत काल तक काटते रहो। जो ये बोया था राजस्थान वाले बोले सठिया बोले अब उसका नाम छोड़ दो, मैं नंबर पता बता दूंगा। इसमें किसान है अपने, एक तो लाल बहादुर जी है बिजनौर के, तरफगंज गोंडा के हैं अपने, क्या नाम यार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, और एक अपने तिवारी जी हैं तरफगंज गोंडा के ही हैं। इन दो लोग, दो तीन लोगों को कर लेना, और भी लोगों के पास है, ये आपको दिलवा देंगे। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को, उनसे ले लो, बोरी में भर के पार्सल कर देंगे, घर आ जाएगी। एक एक गांठ खेत के चारों तरफ लगा दो तो पूरा खेत लपालप भर जाएगा। जानवरों के लिए भी करना है तो दो लाइन लगा दो, एक एक फिट पे, एक को खिलाते रहो, एक को खड़ी रहना, तो जब ये उसके बराबर आ जाए तो इसको काटना शुरू कर दो। अगर बच जाए तो मल्चिंग कर दो, फायदे ही फायदे मेरे भाई, नुकसान कहाँ से है, उसका फायदा ही है। चारों तरफ से मल्चिंग, खेत की तैयारी बढ़िया वाली, उसके बाद में 4-6 inch का बेड, बेड की लंबाई चौड़ाई एक आनंददायक 1.5-1.5 feet लगभग। शुरू में 1.5 feet नहीं बनाना है, शुरू में पाली बनाना है बस, छोटा सा 1.5 feet का कीचड़ बना के पानी पौधा लगाना। पौधा लगाते ही मल्चिंग से ढक देना, तो घास आएगी ही नहीं, हमेशा खुदा हुआ रहेगा। ना तुम्हें खुरपी चलानी, ना तुम्हें जोर लगाने, 15 दिन जाके एक बार खाद फेंक के आना है, कहानी खत्म। वो भी रेसिडू फ्री बना के, रेसिडू फ्री खाद दोगे तो खर्चा आधा, मिट्टी का स्प्रे करोगे तो तुम भी स्वस्थ और फसल भी स्वस्थ, वातावरण भी स्वस्थ, सब मस्त, पैसा आगे का 0 खत्म, 1-0, 2000 की जगह 200 रुपये में काम। उसके साथ में आगे बढ़ो तो फिर अपना बंच मैनेजमेंट, सीधा 3 spray मिट्टी का, 1 फिटकरी वाला, उसके ऊपर से चढ़ा दो बंच कवर, घर जाके सो जाओ, 3 महीने बाद केला काट लो। सिंपल से 6-7 सूत्र हैं, बैलेंस पानी, बैलेंस खाना, पौधे का बैलेंस करना है, फल को
और क्लाइमेट को बैलेंस करना है, बस बैलेंस बैलेंस में ही खेती हो जाएगी और बैलेंस में ही बचत होती है, समझ रहे हैं? बस इतनी सी खेती है इसकी और कुछ इसमें कला अंदर चलिए भैया, पौधा हमारा बहुत अंदर छोटा रह गया है जी। अब देखो ये जो पौधा ये अपने आप कुदरती मौत मरा है, समझ रहे हो? ये देखो आलोक भाई, अब ये इधर आओ, ये जहाँ से मैंने पौधा उठाया वहीं पे वाइट रूट थी, इसके अलावा कहीं वाइट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्चिंग थी, मतलब ये पड़ा हुआ था। अच्छा ये देखो, ये मैंने उठाया आपके सामने अभी, तो यहाँ पे भी वाइट रूट हैं। वाइट रूट का मतलब क्या है? कि ये जड़ें जिंदा हैं, भोजन ले रही हैं। तो भैया जो पौधे को चाहिए वो देते क्यों नहीं है? खोद पीट करके ज़बरदस्ती खाद पीने पानी देने पकाए पी ले हो। जो तुम्हारे साफ सुथरे पौधे होंगे उनमें नहीं मिलेगी वाइट रूट। समझ में आया धर्मेंद्र? सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं भाई, तुम्हारे खेत है। ये देखो ये भी तुमने पुराना डाला हुआ है, इसके नीचे भी होनी चाहिए जरूर, अगर ये पुराना होगा तो जरूर होगी, नया होगा तो नहीं। नया नया ये आई है, ये आई है निकल के यहाँ पे। अगर ये मल्चिंग पुरानी हो तो आनंद दे जाएगी भाई साहब, बहुत सुंदर। ये देखो यहाँ पे वाइट रूट है, जितना वाइट रूट होगा उतना बढ़िया चलेगा। लेकिन इसको अभी आपने क्या करना है यार, ये पूरे कचरे को उठा के लाइन लाइन करा दो यार, और सब निकल गए ऐसे ही है ना, ये सब एक लाइन में डालो। खेत ऐसे हो आपका, जैसे भी आपका खेत हो मुझे नहीं पता, पानी का फ्लो किधर है? हाँ तो इधर ले लो इसको पूरा, हाँ पौधे के दोनों तरफ। और ये जो पत्ते आ रहे हैं अब, ये वेस्टेज हैं, इनको काट दो। ये वाले जो हैं तो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको निकाल दो, ठीक है? अब तो ट्रीटमेंट वही चलेगा, और रेवा लगाओ, रेवा प्लस लगाएंगे इसका, हम लगाने वाले। चलो इसको बंद करते हैं, जय हिंद। कट कर दो, उसमें निशान है।